गुलबर्गा सोनिया गांधी कॉलोनी में ड्रेनेज ओवरफ्लो होने से लोग काफी परेशान थे। हर रोज ड्रेनेज का गंदा बदबूदार पानी 60 से 70 घरों में रिवर्स घुस रहा था। सोनिया गांधी कॉलोनी के लोग लगातार शिकायत करने के बावजूद ये मसला हल नहीं हुआ। फिर कुछ लोग अमन नगर यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैदर अली नामदार एंड टीम से मुलाकात कर ड्रेनेज का इश्यू सुनाए तो हैदर अली नामदार ने गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा से बात कर इमीडिएट सोनिया गांधी कॉलोनी में मौजूद ड्रेनेज के इश्यू को सॉल्व किया है। इस मौके पर तमाम सोनिया गांधी कॉलोनी के लोग एमएलए कनीस फातिमा और हैदर अली नामदार एंड टीम का शुक्रिया अदा किया है। नगर यूनिटी के कमेटी के सदर साहब को मैं जो है फोन किया, उन्होंने जो है इमीडिएटली दोनों कनीस फातिमा एम एल ए मैडम को जो है डायरेक्ट फोन करके जो है ऐसा था उनको दोनों बोले तो भी जो है कोई भी नहीं सुन रहे बोले तो मैडम जो है ना इमीडिएटली एक्शन लेके जो है ना आज जो है ना गाड़ी जो है यूजीडी की गाड़ी भेज के तमाम जो है ना पाइपलाइन का जो है ना काम चालू करे। और मैं मैडम का और महिले के तरफ से भी जो है ना मैडम को शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों की तरफ से भी जो है ना तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सोनिया गांधी कॉलोनी में आज जो गाड़ी आई हुई है की हमारे वेलफेयर सोसाइटी सोशल वर्क हैदर अली इनामदार साहब होटल साहब और जो भी हमारे कमेटी के मेंबर्स है वो लोगों के जरिए से गाड़ी आई हुई है तो इंशाल्लाह ताला आगे आप लोगों का कॉलोनी का भी काम होगा। हमारे हैदर भाई एमएलए साहब को बोलने से मैडम काम चालू करे या चालू है काम जीडी का मैं एमएलए साहब को रानी इस्लाम साहब को भी शुक्रिया करता हूँ, हैदर भाई का भी शुक्रिया करता हूँ। ये सब मिल के अगर करे तो सब काम हो जाता है। ये हमारी कॉलोनी में चंबरों के वास्ते बहुत तकलीफ थी, शब्बीर भाई को बोले मैं हैदर अली साहब को बोले और हैदर अली साहब क्या है इमीडिएटली हमारी कॉलोनी में आके सफाई चल रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया गांधी कॉलोनी में यहाँ पर यूजीडी का पॉइंट्स पूरे जितने भी यहाँ पर यूजीडी के पॉइंट्स हैं ये यूजीडी के पूरे ओवरफुल होने की वजह से तमाम यहाँ के एक कम से कम एक 60-70 घरों में तो पूरा ओवरफुल होने की वजह से यहाँ की आवाम परेशान थे। तो यहाँ के जुम्मेदारान हमारे सोनिया गांधी कॉलोनी के हमारे जनाब शब्बीर साहब और मदीन साहब और यहाँ के तमाम जुम्मेदारान ने हमारे यूनिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जुम्मेदारान को उन्होंने यहाँ का मसले को बताए तो उनके मसले को सुनते हुए हमने हमारे गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी और फराजुल इस्लाम साहब को सोनिया गांधी कॉलोनी में जो यूजीडी का जो इतना बड़ा प्रॉब्लम जो यहां पर क्रिएट हुआ था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने हमारे गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी और फराजुल इस्लाम साहब को हमने इन्फॉर्म करने के बाद इमिडिएटली 24 आवर्स के अंदर यहाँ पर यूजीडी की टीम विद व्हीकल के साथ उन्होंने आकर यहाँ के जितना भी यूजीडी ओवरफुल होकर आवाम को परेशान हो रहा था ये परेशानी को हमारे गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी और फराजुल इस्लाम साहब ने इमिडिएटली इस पर एक्शन लेते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। मैं दिल से हमारे गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी और फराजुल इस्लाम साहब का मैं बहुत बहुत दिल से मैं एंटायर सोनिया गांधी कॉलोनी की आवाम के तरफ से मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह इसी तरीके से जैसे जिस तरीके से हमारे गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी ने एमएलए इलेक्शन में उन्होंने वादा किए थे कि सोनिया गांधी कॉलोनी में भी जो भी मसले मसाइल हैं
रोड नाली लाइट हर वो मसले मसाइल पर उन्होंने खड़ा उतर तुम बोल के वादा किए हैं और वो वादे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सोनिया गांधी कॉलोनी के रोड ड्रेनेज का काम करने के लिए भी ऑलरेडी 2,30,00,000 रुपए फंड उन्होंने यहाँ पर एस्टिमेट कर उसको अप्रूवल के लिए भेजे हैं। वो भी बहुत जल्द से जल्द इंशाल्लाह सोनिया गांधी कॉलोनी के जो भी रोड नाली का काम होना है वो भी MLA मैडम कनीज फातिमा जी और फराज उलाम साहब जल्द से जल्द यहाँ की आवाम को चलने फिरने के लिए जो रोड की किल्लत का तकलीफ है वो भी तकलीफ को सॉल्व करते हैं MLA मैडम कनीज फातिमा बोल के हमको पूरा यकीन है। और उस आखिर में मैं हमारे गुलबर्गा नॉर्थ के MLA मैडम कनीज फातिमा जी को और फराज उलाम साहब को एंटायर सोनिया गांधी कॉलोनी की आवाम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।